हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बनाएंगे चावल के पापड़। आज हम आपको चावल के पापड़ बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे। इसके लिए हम एक गिलास चावल लेंगे, बीन कर धो लेंगे, धोकर रात भर पानी में भीगने के लिए रख देंगे और सुबह उठकर चावलों को हम फिर से धोकर ले लेंगे। ये देखिए चावल जो रात भर मैंने भिगो कर रखे थे। और अब लेंगे जीरा, सादा नमक, घी, और अब लेंगे कुकर और कुकर में चावल को डालेंगे। अब डालेंगे सादा नमक, जीरा और अब डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी। और अब डालेंगे पानी। जिस गिलास से मैंने चावल नापा है उसी गिलास से हमें पानी डालना है। एक गिलास चावल है हमारा तो 3 गिलास पानी इसमें डालेंगे और 6 से 7 सीटी आने तक गैस पर इसको हम पकाएंगे। और अब चावल हमारा पक्का तैयार हो चुका है। आले में निकाल लेंगे। और फिर कलछल की सहायता से अच्छे से मैश करेंगे। जब हमारा चावल ठंडा हो जाएगा तो कलछल हटा देंगे और फिर हाथ से मैश करेंगे। यहाँ पर मैंने कोलम चावल लिया है इसलिए कम पानी डाला है। यदि आप थोड़ा मोटा चावल ले रहे हैं तो थोड़ा उसमें पानी नाप से थोड़ा ज़्यादा डालें। और फिर हाथ में घी लगाकर छोटे छोटे गोले बना लेंगे। गोले आप छोटे बड़े अपने अनुसार बना लें। कितना बड़ा पापड़ आपको बनाना है उसी अनुसार से गोले बनाएं। फिर मशीन लेंगे और लेंगे पॉलीथीन और हल्का सा घी लगाकर पॉलीथीन पलट देंगे और फिर मशीन से प्रेस करेंगे और फिर दूसरी पॉलीथीन में इसे फैला देंगे। इसी तरह हम दूसरे पापड़ को भी बनाएंगे। फिर से पॉलीथीन में यही लगाकर गोले रखेंगे और मशीन में हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और फिर दूसरे पापड़ को भी हमें दूसरी पॉलीथीन में फैला देना है। इसी तरह हम सभी पापड़ों को बना लेंगे और धूप में 2 दिन तक सुखा लेंगे। चावल के पापड़ हम कोई भी चावल से बना सकते हैं, मोटे या पतले। देखिए सूखकर पापड़ हमारे तैयार हैं और अब बनकर तैयार हैं चावल के पापड़।